हेलो एवरीवन, आज के वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में विंटर सेशन क्या होता है या समर सेशन क्या होता है, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंटों को नहीं पता है समर सेशन क्या होता है और विंटर सेशन क्या होता है। अगर हम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं तो हमें विंटर सेशन या समर सेशन हमारा किस ईयर में या फिर हमारा कौन सा सेशन है, तो हमें इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। साथ में आपको समर सेशन और विंटर सेशन समझने के लिए सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एकेडमिक कैलेंडर होता है उसे समझना इम्पॉर्टेंट होता है। हर एक यूनिवर्सिटी का एक अपना एकेडमिक कैलेंडर होता है जो UGC से रेगुलेट करता है, तो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एकेडमिक कैलेंडर होता है। आप अपने यूनिवर्सिटी के एकेडमिक कैलेंडर के द्वारा अपने एग्जामिनेशन, एडमिशन और प्रैक्टिकल असाइनमेंट संबंधित जानकारी टाइम टू टाइम ले सकते हैं, बट ड्यू टू पैंडेमिक की वजह से यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कैलेंडर सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा। बिकॉज पैंडमिक टाइम पीरियड की वजह से एडमिशन प्रक्रिया कहीं ना कहीं अगेन एंड अगेन एक्सटेंड की गई है डेट्स को, दैट्स वाई यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कैलेंडर सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। ये सिर्फ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की मैं बात नहीं कर रहा, हर एक यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज यूनिवर्सिटी वैसे जनरली एकेडमिक कैलेंडर की वजह से सही तरीके से चलते, बट ड्यू टू कोविड पैंडेमिक की वजह से ये सारी सिचुएशन हर एक यूनिवर्सिटी के साथ है। चलिए अब हम बात करेंगे समर सेशन प्रोग्रामिनेशन संबंधित। यूनिवर्सिटी के द्वारा मैन्युअली 2 सेशन हेल्ड करवाए जाते हैं, यानी विश्वविद्यालय के द्वारा पूरे सत्र में आपके 2 बार ही एडमिशन प्रक्रिया चलती है, या तो आप समर सेशन प्रोग्रामिनेशन में एडमिशन लो या फिर आप विंटर सेशन प्रोग्रामिनेशन में एडमिशन लो। समर सेशन को हिंदी में ग्रीष्मकालीन सत्र कहते हैं। ग्रीष्मकालीन सत्र में एडमिशन हमारे 1 जुलाई से लेके और 31 अगस्त तक मेनली चलते हैं। बट अगर मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की बात करूं, बल्कि ऐसा नहीं हो रहा है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में एडमिशन, बिकॉज ड्यू टू कोविड पैंडेमिक की वजह से एडमिशन अगेन एक्सटेंड डेट हो रही है। अब हम बात करेंगे विंटर सेशन संबंधित। विंटर सेशन में भी सेम एज इट इज़ होता है। विंटर सेशन यानी शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र में एडमिशन प्रक्रिया चलती है 1 जनवरी से लेके और 28 फरवरी तक। तो इस शीतकालीन सत्र में जो छात्र एडमिशन लेते हैं उनके एग्जामिनेशन दिसंबर एंड तक विश्वविद्यालय द्वारा हेल्ड करवा दिए जाते हैं। साथ ही में जो समर सेशन प्रोग्रामिनेशन में एडमिशन लेते हैं उन छात्रों के एग्जामिनेशन उनके नेक्स्ट एनुअल प्रोग्रामिनेशन की अगर मैं बात करूँ, एनुअल प्रोग्रामिनेशन में जून तक करवा दिए जाते हैं। अतः आप सभी लोगों को पता है सेमेस्टर प्रोग्रामिनेशन 6 महीने का होता है, साथ ही में एनुअल प्रोग्रामिनेशन पूरा पर्टिकुलर 1 ईयर का होता है। ग्रेजुएशन लेवल पे अगर मैं कोर्स ड्यूरेशन की बात करूँ, BA BSc BCom 3 ईयर्स का होता है। साथ ही में अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर डिग्री प्रोग्रामिनेशन में सेमेस्टर के छात्र की बात करूं, आपका भी 2 साल का कोर्स होता है जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। सो गाइज, आई होप आप सभी लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया समर सेशन क्या होता है, विंटर सेशन क्या होता है। अगर मैंने पहले भी बता दिया है, ड्यू टू पैंडेमिक टाइम पीरियड की वजह से विश्वविद्यालय के द्वारा 2 सालों से ये टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है। गाइज, दैट्स इट इन दिस वीडियो। प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, साथ में अपने फ्रेंड लोग के साथ जरूर शेयर करना। धन्यवाद।